हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर आशीष बिड़कर फ्रॉम सेंट विल्फ्रिड कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स साइंस पनवेल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स. दिस इज अवर लेक्चर 3 फ्रॉम द लेक्चर सीरीज क्लासिकल फिजिक्स. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखे थे और उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे. ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग थोड़े और एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम लोग न्यूटन्स लॉज अप्लाइड टू द सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए वो ऑब्जेक्ट कितने फास्ट मूव कर सकता है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. और थर्ड थिंग है कोनिकल पेंडुलम, उसका हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अ पार्टिकल मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड बी इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस आर एक्सपीरियंसेस द एक्सेलरेशन ए आर दैट हैज द मैग्नीट्यूड ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. तो उसका जो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होता है दैट एक्सेलरेशन का वैल्यू जो दैट इज नथिंग बट वी स्क्वायर अपॉन आर. तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि जो है जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन का, फिर जो फोर्स होता है क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स जो होता है वो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन. तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो यू कैन सी दैट जो एफ आर फोर्स है दैट एफ आर फोर्स इज नथिंग बट टुवर्ड्स द सेंटर. ये डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो जो मास है वो मास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और उसका जो एफ आर फोर्स है एफ सफिक्स आर दैट इज नथिंग बट टुवर्ड्स द सेंटर, और आर जो है वो रेडियस है जिस रेडियस ऑफ सर्कल में वो मास घूम रहा है. So acceleration is called as a centripetal acceleration because AR is directed towards the center of the circle and furthermore AR is always perpendicular to. तो AR जो है वो इसके perpendicular में है, V के perpendicular में है, क्योंकि V जो है वो V क्या रहेगा, ये circle को tangent रहेगा, क्योंकि हमेशा उसका मतलब उसका जो velocity vector रहेगा वो velocity vector हमेशा circle के direction को tangent रहेगा. ये बात हमेशा याद रखना, circular motion में जो v वेलोसिटी टर्म होता है ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टर्म हमेशा सर्कल का टेंजेंट वेक्टर होता है. ठीक है, सो इफ वी आर इफ देयर वेयर अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन पैरेलल टू v द पार्टिकल स्पीड वुड बी चेंजिंग. तो अगर पैरेलल टू v अगर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता तो पार्टिकल का स्पीड जो है वो चेंज होता था, लेकिन पैरेलल टू द कंपोनेंट ऑफ v कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसके उसका जो स्पीड रहेगा एज लॉन्ग एज अगर वो पार्टिकल जो है वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और कोई एयर रेजिस्टेंस या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तब तक वो सेम वेलोसिटी से वो सर्कल में मूव करता रहे. ठीक है, तो उसका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, हम लोगों के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही लेकिन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास टर्म को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को टोटल फोर्स क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा. This is called as a centripetal force. तो ये equation को हमेशा याद रखना क्योंकि ये equation बहुत important equation है. This equation is a center equation, central equation to the centripetal forces. ठीक है, कोई भी centripetal force या फिर कोई भी particle या फिर कोई भी जो electron या फिर अगर हम लोग कोई भी subatomic particle भी लेते हैं जो circle में move कर रहा है around the atom, मतलब atom में जो nucleus होता है वो nucleus के around जो electron circle में move करता है, तो उसमें भी जो सर्कल में मूव करता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका जो ये रहता है फोर्स रहता है वो फोर्स हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स है और वो जो फोर्स रहता है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर रहता है. सो दिस इक्वेशन इज रियली इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यू शुड नो दिस. ओके, एज अ फिजिक्स स्टूडेंट यू शुड नो दिस इक्वेशन बाय हार्ट. तुम लोगों को अगर पूछा जाए तो तुम लोगों को इक्वेशन आना चाहिए. ठीक है, सो हाउ फास्ट इट कैन स्पिन, तो अगर वो तो स्पिन तो कर रहा है लेकिन वो कितना फास्ट स्पिन करना चाहिए. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल में हम लोग वो बॉल को एक पर्टिकुलर मास दे देते, वो कॉर्ड को एक लेंथ दे देते और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो कितना स्पीड में घूम रहा है. तो हम लोग देखते हैं कि अ बॉल ऑफ मास 0.5 केजी, मतलब हाफ केजी का बॉल है और वो कॉर्ड जो है वो कॉर्ड 1.5 मीटर का है. अ बॉल इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एज इट इज शोन इन द फिगर. तो ये फिगर में तुम लोग देख सकते हो कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है. ओके, और उसका जो कॉर्ड का लेंथ है वो 1.5 मीटर है. सो इफ कॉर्ड कैन withstand a maximum tension of 50 newton. तो मतलब उसका कॉर्ड का जो टेंशन है, अभी तो हम लोगों ने देखा कि टेंशन क्या होता है. तो टेंशन जो होता है मतलब क्या, 50 newton का फोर्स जब तक वो कॉर्ड पर कॉर्ड या फिर 50 newton से कम टेंशन जब तक कॉर्ड पे लगेगा तब तक वो कॉर्ड टूटेगी. अगर ज्यादा फोर्स लग गया तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका आउटवर्ड फोर्स जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा और वो कॉर्ड जो है वो कॉर्ड टूटेगी और वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अपने पार्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकल जाए. So what is the maximum speed of the ball can attain before the cord breaks? So cord break करने से पहले maximum speed of the ball कितना होना चाहिए? Assume that the string remains horizontal during.
हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, कि वो जो कॉर्ड है वो कॉर्ड एक पर्टिकुलर सर्कल में मूव कर रहा है और वो जो कॉर्ड है उसको हम लोग कोई पर्टिकुलर एंगल में मूव कर रहे हैं, तो वो एंगल कॉन्स्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक बार एक सर्कल एक पर्टिकुलर सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक बार वर्टिकल सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक बार हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, या फिर उसका कॉम्बिनेशन में कहीं एक पर्टिकुलर एंगल में वो मूव कर रहा है। ओके, हर बार जब वो सर्कुलर डायरेक्शन मूव करेगा तो वो सर्कुलर डायरेक्शन एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन। सो विल सी कि व्हाट इज द मैक्सिमम उसका स्पीड क्या अटेन करना चाहिए जब तक वो कॉर्ड ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो कॉर्ड का टेंशन मैक्सिमम कितना सह सकता है, वो 50 न्यूटन तक। सो इट इज डिफिकल्ट टू नो व्हाट माइट बी द रीजनेबल आंसर वैल्यू फॉर दिस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग उसका सेंट्रिपिटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो नंदनेस वी नो दैट कि 100 मीटर पर सेकेंड से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है। यू जस्ट नो कि 100 मीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी है, तो इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग मतलब एक पर्टिकुलर एस्टिमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि जिससे ज्यादा अगर वो वेलोसिटी हो गया तो वो कॉर्ड टूट जाए। ओके, तो हम लोगों ने ऑफकोर्स क्या कंसिडर किया हुआ है, वो बॉल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और वो कॉर्ड जो है वो कॉर्ड ब्रेक नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बिकॉज ऑफ द फोर्स इज कॉजिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दिस केस द टेंशन टी एक्सर्टेड बाय द कॉर्ड ऑन द बॉल, जो टेंशन है वो टेंशन और जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेम होगा, क्योंकि टेंशन जो है वो टेंशन ही ऑल्सो विद इन द कॉर्ड और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, तो ऑफकोर्स वो भी विद इन द कॉर्ड है, तो इसलिए वो जो टेंशन होगा वो और उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो एक दूसरे को बैलेंस होंगे। सो टी इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो इसका मतलब क्या, अगर मैं मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी की अगर मैं कैलकुलेट करता तो वी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टी आर अपॉन एम आ जाएगा। तो अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए मुझे कौन सा टर्म ये लेना पड़ेगा, क्योंकि आर जो है वो आर तो कॉन्स्टेंट है, आर हम लोग चेंज नहीं कर सकते, आर कितना है 1.5 मीटर, मास जो है वो भी कॉन्स्टेंट है हाफ ऑफ द के, तो हम लोग कौन सी चीज हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं, तो हम लोग टेंशन को मैक्सिमम ले सकते हैं। तो मैक्सिमम टेंशन तो हम लोगों को एग्जांपल में दिया हुआ है कि वो मैक्सिमम टेंशन 50 न्यूटन तक वो सह सकता है, तो वी कैन से दैट कि वी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी मैक्स अपॉन आर अपॉन एम इनटू आर। तो अगर मैं वी टी मैक्स की वैल्यू अगर मैं डालता हूँ 50 न्यूटन, आर की वैल्यू डालता हूँ 1.5 मीटर और मास की वैल्यू डालता हूँ हाफ ऑफ द केजी, तो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी कितना मिलेगा 12.2 मीटर पर सेकेंड। तो 12.2 मीटर पर सेकेंड तक उतने स्पीड तक वो कॉर्ड जो है वो कॉर्ड टूटेगा नहीं, अगर वो बॉल उतने स्पीड से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, अगर उससे ज्यादा अगर वो मूव करेगा मतलब 13 मीटर पर सेकंड से अगर वो मूव करेगा तो वो कॉर्ड टूट जाएगा और वो बॉल निकल जाएगा। ठीक है, सो वी कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कि अगर सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉल मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए। तो यू कैन हैव दिस, ये जो इक्वेशन है Vmax is equal to square root of Tmax R upon m, this you can take it as a standard equation जिसमें हम लोग Tmax की वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। तो Tmax की वैल्यू जो है टेंशन की वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कॉर्ड का मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है कि जितना कॉर्ड का मटेरियल ज्यादा स्टिफ होगा, मतलब अगर कॉर्ड मेटल की बनी होगी तो वो कॉर्ड टूटने में उतना ही ज्यादा उसको टेंशन लगेगा, अगर वो कॉर्ड थ्रेड होगा मतलब एक कॉटन का थ्रेड होगा तो वो कॉर्ड टूटने में ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है। सो यू कैन टेक दिस Vmax इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Tmax R अपॉन m एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन कि मैक्सिमम वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में कितना होना चाहिए जब अगर हम लोगों को टेंशन पता है तो। ओके, सो हम लोगों ने मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट की, तो हम लोगों का इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका एम हम लोगों का सेटिस्फाई हो चुका है। वी विल सी द थर्ड एंड द लास्ट एग्जाम्पल या फिर फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ एंड द लास्ट एग्जाम्पल जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। अब ये कोनिकल पेंडुलम बहुत सिंपल है, मतलब जो हम लोगों का नॉर्मल पेंडुलम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉर्ड को एक जगह पे एक मास बॉब से हम लोग बांध देते हैं, बॉब मतलब एक सर्कुलर स्पीयर से बांध देते हैं जिसका मास एम होता है, और वो जो पेंडुलम होता है बेसिकली क्या करता है, वो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने क्लॉक के अंदर का पेंडुलम देखा हुआ, जो पुरानी क्लॉक थी जिसके वो अंदर वो एक कांटा रहता था, वो कांटा ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव करते रहता था, तो वो पेंडुलम होता है वो सिंपल पेंडुलम होता है। लेकिन कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है कि बेसिकली जो बॉब होता है वो बॉब एक सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है और उसका जो दूसरा एंड होता है वो एक रिजिड सपोर्ट से बांधा हुआ रहता है। यू कैन सी दैट ये सर्कुलर एक जो एंड है वो रिजिड सपोर्ट से बांधा हुआ है, एक एंड बॉब से कनेक्टेड है और वो जो बॉब है एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि वो बॉब का स्पीड क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं।
A small object of mass m is suspended from the string of length l. The object revolves with a constant speed v in a horizontal circle of the radius r, as shown in the figures. So because of the string, swap out the सर्फेस ऑफ द कोन. तो बेसिकली वो सर्फेस ऑफ द कोन की स्वैप कर रही है. तो यू कैन सी दैट कि अगर ये बॉब सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो ये जो स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग पे सर्कुलर मोशन में मूव करेगी. तो ऑफकोर्स अगर तुम लोग ये फिगर को थ्री डायमेंशन में इमेजिन करोगे तो इट विल क्रिएट अ कोन लाइक स्ट्रक्चर. आइसक्रीम का जो कोन होता है उस टाइप का वो स्ट्रक्चर बनाए. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कोनिकल पेंडुलम. तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम में वेलोसिटी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी हम लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट. ठीक है, तो हम लोगों को इसमें क्या क्या कर क्या क्या देखना है. तो ऑफकोर्स लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज एल. वो जो कॉर्ड है वो कॉर्ड एक एल एक थीटा एंगल से यहाँ पे मूव कर रहा है. ऑफकोर्स ये जो प्रॉब्लम है और उसके पीछे वाला जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दोनों अलग अलग है. क्योंकि इसमें वो जो सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन जो है वो एक प्लेनर सर्कल है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो प्लेनर सर्कल में मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो जो कॉर्ड है वो कॉर्ड भी एक कोन बना रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम और इसके पीछे वाला प्रॉब्लम जो था वो प्रॉब्लम दोनों अलग अलग प्रॉब्लम. सो ऑफकोर्स यहाँ पे रिजिड सपोर्ट्स है कनेक्टेड है, तो हम लोगों को टेंशन देखना पड़ेगा कितना है. तो हमारा फ्लूइड बॉडी डायग्राम क्या है, तो टेंशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा. ऑफकोर्स क्योंकि ये जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन में घूम रहा है, तो हम लोगों को एक्स डायरेक्शन का फोर्स और वाई डायरेक्शन का फोर्स दोनों देखना पड़ेगा. तो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग डाउनवर्ड मोशन में हम लोगों के पास एक ही फोर्स है, दैट इज नथिंग बट एम जी. और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो हमारे पास क्या है, टी कॉस थीटा. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो हमारे पास फोर्स कौन सा है, टी साइन थीटा. तो ऑफकोर्स हम लोगों को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के जो दो फोर्सेस है वो दो फोर्सेस को हम लोगों को कनेक्ट करना है. और वो फोर्सेस को कनेक्ट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का इक्वेशन निकालना है वी के. सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो लेट अस थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द वर्टिकल. तो थीटा जो है वो स्ट्रिंग और वर्टिकल के बीच का एंगल डिसाइड करेगा. क्योंकि ये थीटा अगर ज्यादा बड़ा होता गया तो वो जो कोन होगा वो कोन भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसका कोन का जो हाइट होगा वो हाइट बहुत कम हो जाएगा. ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोगों ने देखा है कि टेंशन का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व किया है. तो उसमें दो कंपोनेंट रिजॉल्व किया, एक तो कॉस थीटा कंपोनेंट, टी कॉस थीटा कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू कैन सी हियर, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो टी साइन थीटा कंपोनेंट है. एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिवॉल्यूशन, because the object does not accelerate in the vertical direction, the upward vertical component of t must balance with the downward gravitational force. So iske wajah se kya hai, t cos theta is equal to mg. So jo t cos theta that is equal to mg, aur horizontal direction mein hamare paas force kaun sa hai, t sin theta. So because of the force providing the centripetal acceleration in this example, the component t sin theta jo hoga that is giving us the horizontal डायरेक्शन का जो फोर्स है वो है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है. तो ऑफकोर्स टी साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एफ बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि टी साइन थीटा इज ऑल्सो फोर्स विच इज अराउंड बी एक्स डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज गिविंग यू एफ बी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि वो जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएगा. ओके, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन में टी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर टू में हम लोगों के पास साइन थीटा. तो हम लोगों को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए. तो वेलोसिटी टर्म के लिए हम लोगों को टेंशन टर्म को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टेंशन टर्म है नहीं. तो टेंशन टर्म को अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो हम लोगों को जो इक्वेशन मिलेंगे वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि एम तो हम लोग ही डिसाइड करने वाले, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसका तो फिक्स वैल्यू है. और एम वी स्क्वायर अपॉन आर में आर का जो वैल्यू है वो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, वो तो हम लोगों को पता है. एम की वैल्यू तो हम लोगों ने खुद डिसाइड किया, और वी की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है. ठीक है, और थीटा हम लोग सिलेक्ट करने वाले, कौन से थीटा एंगल पे हम लोग उसको मूव करने वाले. सो व्हाट वी हैव टू डू इज डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन. तो टू इक्वेशन को हम लोगों को वन के साथ डिवाइड करना है. यू कैन डू वन बाय टू एज वेल, लेकिन टू बाय वन से हम लोगों को टैन थीटा कंपोनेंट मिलेगा. टैन थीटा कंपोनेंट इज इजियर टू कैलकुलेट देन कॉट थीटा कंपोनेंट, क्योंकि साइन और कॉस अगर हम लोगों को पता है तो इजिली टैन थीटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी. तो अगर हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा. तो हम लोगों को वेलोसिटी कितना मिला, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा. ठीक है, सो r इज इक्वल टू l sin थीटा, यू नो दैट, क्योंकि l sin थीटा इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. तो ऑफकोर्स r इज नथिंग बट l sin थीटा. तो r जो यहाँ पे r है वो r को अगर हम लोग मैं रिप्लेस करता हूँ l sin थीटा से, मुझे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ l sin थीटा टैन थीटा. सो दिस इज द required velocity of the conical pendulum.
तो कॉनिकल पेंडुलम का रिक्वायर्ड वेलोसिटी कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्क्वायर रूट में लेंथ ऑफ द पेंडुलम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो थीटा एंगल हम लोग ने लिया है उसका साइन थीटा इंटू कॉट टैन थीटा कंपोनेंट का प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों को लेंथ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम देगा। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम लोगों ने चार एग्जाम्पल देखे। पहला वाला जो एग्जाम्पल था, पहला वाला एग्जाम्पल बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, एटवुड्स मशीन था। ठीक है, एटवुड्स मशीन हम लोगों ने देखा। दूसरे एग्जाम्पल हम लोगों ने एटवुड्स मशीन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया और एक जो ब्लॉक है वो ब्लॉक को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन सरफेस पे हम लोगों ने उसको मूव करवाया जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो उससे हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए और टेंशन इन द कॉर्ड क्या होना चाहिए। तीसरे वाला जो था इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होता है वो हम लोगों ने देखा, और उसको हम लोगों ने यूटिलाइज किया कि उससे हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि कितना फास्ट वो ऑब्जेक्ट सेंट्रिपेटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी बी से मूव करेगा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा और एक एप्लीकेशन जो जिसमें हम लोगों को सेंट्रिपेटल फोर्स को हम लोगों ने यूटिलाइज करके कोनिकल पेंडुलम का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, कम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग और भी एप्लीकेशन बात करेंगे और हम लोग वर्क और वर्क डन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। So that's it for this lecture. Thank you.